हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920। सो आज का टॉपिक है हमारा बायस थ्योरम। बायस थ्योरम से आपका 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इसमें दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास बायस थ्योरम में, जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं या जब हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। दो ही थ्योरम है हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इवन, ई टू, ई एन। यहाँ पे इवन, ई टू, ई एन जो हमने इवेंट्स कंसिडर किए हैं वो कैसे हैं। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। उनकी कंडीशन क्या थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जो पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, यानी इंटरसेक्शन उनका क्या होता है, एम्प्टी होता है। कोई भी दो इवेंट का आप इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वो आपको हमेशा एम्प्टी सेट मिलेगा, और सबका कंबाइंड यूनियन फाइंड करते हैं तो वो यूनियन क्या होना चाहिए, सैम्पल स्पेस के इक्वल। ठीक है, इसको हम इस लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, इवन, ई टू, ई एन आर इवेंट सच दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन। पार्टीशन वर्ड से भी आप कंफ्यूज नहीं हो, पार्टीशन का मतलब होता है कि वो इवेंट्स जिनका पेयर वाइज इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी होता है, यानी वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, और उनका कंप्लीट यूनियन किसके इक्वल होता है, सैम्पल स्पेस के। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट और यूनियन हमने दिखा दिया सैम्पल स्पेस के इक्वल। नाउ ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड टू द सेम एक्सपेरिमेंट। ए एक जनरल इवेंट है जो इन सब से लिंक होता है। ठीक है, एक रफली डायग्राम अगर हम इसका देखें तो इस टाइप से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमने ये सैम्पल स्पेस लिया है, ये ई वन है, ई टू है, इसी टाइप से ई थ्री है, ई फोर है, और ई एन तक आपने ये लिए हैं। ठीक, इसमें कहीं भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन जो ए इवेंट है वो सबसे लिंक्ड है। दिस इज इवेंट ए, लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने फाइंड करनी है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई वन, ई टू, ई थ्री, इसलिए हमने इसको ई आई से डिनोट किया है, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n विद कंडीशनल ए। तो ये होती है बायस थ्योरम। अगर हमको सिंपल ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बस ये दो फॉर्मूले पर ही बेस्ड आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक्सरसाइज है आपकी 13.3। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज हमारे पास 3 इवेंट्स है तो जनरल फॉर्मूला हो गया आई की टर्म्स में। डिनोमिनेटर में आपने 1, 2, 3, 4 जितने भी इवेंट्स हैं उन सब के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये टर्म आपको इस टाइप से मिल जाएगी। अगर E1, E2, E3 तीन इवेंट का केस है, हमें सपोज E1 कंडीशनल A फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। न्यूमरेटर में केवल सिंगल टर्म होता है P E1 इंटू PA कंडीशनल E1। ठीक, अपॉन में सेम ये टर्म भी आएगा, फिर E2 की रिस्पेक्ट में भी आएगा, फिर E3 की रिस्पेक्ट में भी आएगा। 3 इवेंट्स के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 3 एंड अर्न, अर्न मीन्स बैग और कंटेनर, हैज 5 red and 5 black balls। 1 ball is drawn, इट्स कलर इज नोटेड, एंड 2 additional balls ऑफ द सेम कलर बी एडेड। ठीक है, देन अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड। क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले इस बैग से एक बॉल आपने ड्रॉ की, अब उस बॉल के दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बॉल रेड भी हो सकती है, बॉल ब्लैक भी हो सकती है। ठीक है, अगर बॉल, फर्स्ट बॉल जो आपने ड्रॉ की है वो रेड है तो ब्लैक पॉसिबल नहीं है, अगर वो ब्लैक है तो रेड पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है ये चीज। अब हमने क्या करना है, PE1 फर्स्ट बॉल इज रेड, कितनी रेड है टोटल हमारे पास, 5/10, तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमने यहीं से फाइंड कर दी, दैट इज 1/2। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, दिस इज इवेंट E2, अगेन PE2 इज 5/10, दैट इज 1/2। नाउ ए, व्हाट इज ए, ए इज सेकेंड बॉल इज रेड, ए फर्स्ट के साथ भी पॉसिबल है, ए सेकेंड के साथ भी पॉसिबल है, तो हम फाइंड करते हैं PA conditional E1। अब इसका मीनिंग क्या है, PA conditional E1 का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट इज रेड। ओके, PA conditional E2 का मीनिंग क्या है, सेकेंड बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट इज ब्लैक। देन PA conditional E1, अगर फर्स्ट बॉल रेड थी तो हमने यहां पे कौन सी बॉल पुट की होंगी एक्स्ट्रा, रेड, कितनी रेड हो गई हमारे पास, 5+2, दैट मीन्स 7,
सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 7/टोटल. 10 पहले थी, 2 आपने और पुट की बैग में, तो टोटल हो गई आपके पास 12. ए कंडीशनल E2, सेकेंड बॉल इज रेड व्हेन ड्रॉन बॉल इज ब्लैक. अगर आपने ब्लैक ड्रॉ की फर्स्ट बॉल तो आप पुट भी कौन सी करेंगे? ब्लैक. लेकिन हमें रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अल्टीमेट रेड तो हमारे पास 5 ही है, लेकिन टोटल कितना हो गया? 12. क्लियर? अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया टोटल प्रोबेबिलिटी का. PE1 इंटू PA कंडीशनल E1 प्लस PE2 इंटू PA कंडीशनल E2. सारी वैल्यूज हमारे पास है, बस रख के हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फर्स्ट बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक. अनदर बैग, सेकेंड बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स. देर आर 2 बैग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग विच इज फाउंड टू बी रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. देर आर 2 साइमल्टेनियस इवेंट, सो वी हैव टू अप्लाई बायस थ्योरम. फर्स्ट बैग फर्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बैग सेकेंड भी. लेकिन जब आप बैग फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे उस टाइम सेकेंड आप चूज नहीं करेंगे. अगर सेकेंड चूज करेंगे तो फर्स्ट नहीं चूज करेंगे. तो जब भी आप E1 E2 कंसिडर करें तो वो इस टाइप से करें कि एट अ टाइम एक ही इवेंट क्या हो, पॉसिबल हो. ठीक है, E1 आपने लिया, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड. E2 आपने कंसिडर किया, सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड. इनकी लैंग्वेज भी आपने मेंशन करनी है. दिस इंप्लाइज PE1 एंड PE2 आर बोथ 1/2, 1/2, बिकॉज देर आर 2 बैग्स एंड वन इज फेवरेबल, वन इज सिलेक्टेड. ए बी बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड, देन PEA कंडीशनल E1, मीनिंग फर्स्ट जो बैग है उससे आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, यानी 4/8. PA/E2, दिस इज 2/8. नाउ वी अप्लाई PE1/A. PE1 इंटू PA/E1 अपॉन में फिर से दोनों टर्म हमने लेनी है. इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई 2/3, राइट? इस क्वेश्चन में क्या है कि 99% पीपल हैविंग पॉजिटिव रिपोर्ट when actually has the disease, but 0.5% laboratory test giving false positive report. False positive report का meaning क्या है? जैसे suppose आपने कोई blood test करवाया अपना और आपको वो disease नहीं है, लेकिन report आपकी by mistake क्या आ गई? Positive आ गई. उस report को हम कहते हैं false positive report. ठीक है, तो 99% में तो वो डिटेक्ट करता है डिजीज को करेक्टली, लेकिन 0.5% चांस ऐसे हैं कि वो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ जाती है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स के पर्सन हैं. पहले कि कितने परसेंट पर्सन ऐसे हैं जिनको डिजीज है, जो सफरिंग है किससे, डिजीज से. और E2 हमने वो इवेंट लिया है जिनको डिजीज नहीं है, दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज. 0.1% of the person having the disease, that means PE1 is equals to 0.1% or 0.1/100. Point ko remove kiya, yani 1/1000. Clear? Not ki probability ke liye 1 se hum kya kar dete hain isko? Minus. 999/1000. Ab A humne liya hai, report is positive. Thik? To PA conditional even kya hai? When person actually has the disease and report is positive. ठीक है, that is 99%. But PA conditional E2 का meaning क्या है कि वो person disease से suffer नहीं कर रहा है, यानी उसको disease नहीं है, लेकिन report कैसी है? Positive है. That is called false positive report. In 0.5%, यानी 0.5/100, point को remove किया, 5/1000. Clear? हमें क्या find करना है? Find the probability that diagnosed person has the disease, that means E1, when report is positive, conditional A. Clear? तो दोनों event fulfill होने चाहिए, लेकिन जो first event है उसकी probability हम find करते हैं. This is known as conditional probability by Bayes theorem. PE1, PA conditional E1 upon में PE1, PA conditional E1 plus PE2, PA conditional E2. ठीक है, आपने सब वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आपको मिल जाएगा 22/133.
बहुत इजी एक्सरसाइज है, सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस आपको करना क्या है कि क्वेश्चन आपको ढंग से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ई1 ई2 आपने क्या कंसीडर करना है। अगर 3 इवेंट्स हैं तो ई1 ई2 ई3 आप डिनोट कीजिए उनको, जो क्या है कि अगर एक इवेंट पॉसिबल है तो बाकी इवेंट पॉसिबल नहीं होंगे, यानी उनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ठीक, ए इवेंट जो आप कंसिडर करते हैं वो हर एक से लिंक होगा। ए कंडीशनल ई1 भी फाइंड करना होता है, ए कंडीशनल ई2 भी। ए कंडीशनल ई1 का मतलब होता है ए की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं विद कंडीशनल ई1। ए बाय ई2 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं इवेंट ए की, लेकिन विद कंडीशनल ई2। उसके बाद जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके लिए आपने बायस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, सपोज हमें यहाँ पे क्या करना होता, डायग्नोज पर्सन हैज नो डिजीज, तो हम कौन सा लेते, ई2 बाय ई, पी ई2 बाय ए, यहाँ पे चेंज हो जाता अपॉन, डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसका भी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डे, नेक्स्ट डे का डे आई थिंक 5 है ये, तो 5th डे में आपका बायस थ्योरम का लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। और आपने जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, मुझे डन के मैसेज बहुत रेयर मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, जिस स्पीड से हम अपने लेसन अपलोड कर रहे हैं आई थिंक उस स्पीड से आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क गेन करें, स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप भी उतनी ही स्पीड से अपनी एक्सरसाइज कवर कीजिए। तो ये था आज का लेसन, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय। You're too good.